जैसा कि आप इंटरफेस पे देख पा रहे होंगे, आज हम इस कंपोनेंट का कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजाइनर अली, माई सेल्फ एमडी अली स्ट्राइकर। ऑन दिस चैनल वी प्रोवाइड यू कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनएक्स कैड टूल्स, 3D मॉडलिंग, असेंबली, ड्राफ्टिंग, प्लास्टिक इंजेक्शन प्रोडक्ट डिजाइन एंड बेसिंग एट बेसिक एंड एडवांस लेवल मोल्ड डिजाइन। And also uploaded the all type of mold production videos which help you to understand in a better way. So guys, subscribe to our YouTube channel Designer Ali for more educative, interesting, knowledgeable video related to CAD tutorials and plastic injection mold design. Today video topic is very very important to all of you, both freshers and experience. It's all about core cavity extraction. How to extract core and cavity in NX? Complicated components, core cavity extraction without mold wizard। आज की इस वीडियो में हम core cavity extract करना सीखेंगे और ये सारी topics को हम discuss करेंगे। तो जैसा कि आप interface को देख रहे हैं, इस complicated components का हम core cavity extract करेंगे। तो step by step वीडियो के last तक बने रहिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए beneficial होगी। अभी हमारे पास कई कंपोनेंट्स है, सबका हम कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे। ये रेड बॉल का स्टार बॉल और ये एक स्विच बोर्ड का ही एक कंपोनेंट्स है, इसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करके मोल्ड दिखाएंगे। इसका ये भी एक स्विच बोर्ड का ही पार्ट्स है, इसका भी हम कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे। आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाएंगे कि कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल को हम स्टडी करते हैं, इस आर्टिकल का पार्टी लाइन डिस्कस करते हैं, कहाँ से पार्टी लाइन लेंगे और कट बैरिंग एरिया जो है उसको हम ब्लॉक करके उसको फिल करके सरफेस से, और इसको एक्चुअली हम कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन जो है टू टाइप से कर सकते हैं। तो आज हम एक जो स्प्लिट के द्वारा कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको हम स्टडी करेंगे, और आगे हम इसको एक सरफेस के द्वारा सरफेस क्रिएट करके उसको सीव करके और एक बॉडी बनाएंगे। तो दोनों तरीके से हम आपको कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे इस पार्ट का। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका पार्टी लाइन डिसाइड करते हैं, कहाँ से हम पार्टी लाइन लेते हैं। जैसा कि आप इंटरफेस में देख पा रहे होंगे, इस आर्टिकल का पार्टी लाइन्स यहाँ से हम लेते हैं चारों तरफ से, और जितना भी ये कट बैरिंग एरिया है इसको हमें सरफेस से फिल करना पड़ेगा, पैच करना पड़ेगा, ताकि हम कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले एक ऑप्शन है हमारे पास बाउंडेड बॉडी, इस बॉडी को क्लिक करते हैं और जिस फेस को हमें पैच करना है वो फेस को हम सेलेक्ट करते हैं और एक बाउंडेड बॉडी क्रिएट करते हैं। ये चारों फेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड हम एक सरफेस क्रिएट करते हैं, सरफेस में जाके ऑफसेट सरफेस, बॉडी सरफेस, इसको सिंगल फेस करते हैं और यहाँ पे जीरो देते हैं डायमेंशन। ये चार फेस को हम ऑफसेट सरफेस कर लेते हैं 0 mm, ओके कर देते हैं। इसके बाद जो बाउंडेड बॉडी है उसको हाइड कर देते हैं। अभी ये हमारा सीट हो गया, इस सीट को हम ट्रिम सीट करके जो हमारा एज है, जो ये पार्टी लाइन एज है, इस एज के द्वारा हम इसको ट्रिम सीट कर लेते हैं। यहाँ से ट्रिम सीट, पूरे सीट को सिलेक्ट करते हैं, ओके। इसके बाद बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री के द्वारा उसको हम कट कर देंगे। चलिए एक एक बाउंड्री बनाते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से इसको कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो उम्मीद है कि आप इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमारा पूरा एज से हम इसको ट्रिम करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ये देखिए ये हमारा पैच हो गया, जैसा कि इधर देख पा रहे होंगे सेम ये है,
तो इसको हमने बाउंडेड बॉडी बनाया, फिर इसको ऑफसेट सरफेस लिया, ऑफसेट सरफेस लेने के बाद ट्रिम फेस कर दिया, ट्रिम शीट करने के बाद ये हमारा सरफेस पैच हो गया पार्टी लाइन। इसके बाद जैसा कि आर्टिकल कभी भी हम कंपोनेंट्स को रखेंगे तो कोऑर्डिनेट के सेंटर में रखेंगे, ताकि हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो सेंटर के द्वारा हम मैनेज कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट सेंटर में नहीं रहेगा तो हमें इसको मैनेज करने में, कोई भी एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके लिए हम आर्टिकल को सेंटर में पहले मैनेज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी सेंटर में मैनेज कर लिया है, तो अभी इसका एक बेनिफिट होगा कि मैंने एक साइड का सरफेस पैच किया, इसको हम मिरर कर दूंगा तो दूसरे तरफ भी पैच हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये सेंटर में नहीं रहता तो अपने को फिर उधर भी बनाना पड़ता, और यहाँ पे हम यहाँ पे मिरर ज्योमेट्री से इधर भी हम पैच कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर का मैंने बनाया, दूसरे साइड का मैंने सरफेस मिरर ज्योमेट्री से इधर का पैच कर दिया। उसी तरह ये 6 है और एक ये सेंटर में 7, ये 7 को पैच करेंगे। तो इसमें हम एक का बना के इसके बाद मिरर करके हम दूसरे को कर सकते हैं। वापस से जैसे हमने बाउंडेड बॉडी लिया था, उसी तरह सेम बाउंडेड बॉडी हर फेस को सिलेक्ट करके एक बाउंडेड बॉडी क्रिएट करते हैं। ओके, टू फेस, थ्री फेस, जिस फेस से रिलेटेड अपने को सरफेस और पैच करना है वो सारे फेस को हम सिलेक्ट करके एक बॉडी क्रिएट करेंगे। तो ये 3 फेस 4 फेस को मैंने सिलेक्ट करके एक बॉडी क्रिएट कर लिया, और इसके बाद ये बॉडी से एक सरफेस क्रिएट करेंगे। 1 2 3 4 ओके। इसके बाद जो बाउंडेड बॉडी लिए थे उसको हम हाइड कर दें, बच गया हमारे पास सरफेस, जबकि सरफेस ये अंदर पार्ट्स के अंदर घुसा हुआ है। तो इसको हम ट्रिम शीट कर देंगे, जो हमारा शीट है, फिर शीट ट्रिम शीट लेंगे, पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद बाउंडेड बाउंड्री बना के इसको हम ट्रिम कर देंगे। एज को सिलेक्ट करके इसको हम ट्रिम करते चले जाएंगे। चारों तरफ का बाउंड्री मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद इसको हम अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा शीट रेडी हो गया, पैच हो गया चारों तरफ से। इसके बाद फिर वापस से हम सेंटर में रखने का एक फ़ायदा अपने को मिलेगा कि ये एक साइड का हो गया, इसको हम इस साइड मिरर कर सकते हैं। वापस से मिरर ज्योमेट्री लेते हैं, मिरर ज्योमेट्री सिलेक्ट, इसके बाद प्लेन, सेंटर का प्लेन देते हैं, तो ये सेकेंड साइड भी हमारा पैच हो गया। उसी तरह ये दोनों को सिलेक्ट करके इस साइड का भी हम सेंटर प्लेन लेके और इस साइड भी पैच कर दिए इजीली। अदरवाइज अगर ये हमारा कंपोनेंट सेंटर में नहीं रहता तो हर साइड का हमें इंडिविजुअली बनाना पड़ता है। अभी बाकी बच गया 1 2 3, तो तीनों का फिर बनाते हैं वापस से। फिर वापस से हम बाउंडेड बॉडी लेते हैं, फेस सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 और ये एक हमारा फेस 4, ये फेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा बॉडी हो गया। इसके बाद अगेन वही प्रोसेस, 1 2 3 और इधर का 4। ओके, बॉडी को कर देंगे हाइट, और इसके बाद ट्रिम सीट में चलते हैं और सीट को सिलेक्ट करते हैं, फिर बाउंड्री बना के इसको ट्रिम करते हैं। बहुत ही बारीकी से अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो जरूर आपको बेनिफिट होगा। इसका पूरा बाउंड्री सिलेक्ट करके इसको हम अप्लाई कर देंगे, ये हमारा सीट पैचअप हो गया इधर। इसके बाद इसको भी हम मिरर कर देंगे इस साइड, इसको सिलेक्ट किए, इसके बाद इधर मिरर कर दिए। ओके, एक्चुअली हर तरह से हमारा पैचअप हो गया। अब सेंटर का सरफेस में जाके बाउंडेड प्लेन ले लेते हैं और इसको सेंटर वाले को पैच कर देते हैं, ये हमारा पैच हो गया। जितना भी हमारा कट बैरिंग एरिया था, सारे कट बैरिंग एरिया को हमने पैच कर दिया, बाउंडेड बॉडी, ऑफसेट सरफेस और ट्रिम शीट,
ये तीन ऑप्शन के द्वारा हमने जितना भी पैच करना था, जितना भी पार्टी लाइन एरिया, पैरिंग एरिया था, वो सबको हमने पैच कर दिया अभी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद पैच करने के बाद अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि एक अब बॉडी बनाते हैं कोर कैविटी के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक बॉडी बनाते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये कंपोनेंट का बाहरी एरिया है, बाहरी पार्टी लाइन एरिया है, उससे हम एक सरफेस क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास सरफेस में जाने के बाद आप मोर में जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन अपने को मिलता है रिबन बिल्डर। रिबन बिल्डर लेते हैं, टेंजेंट कर्व करते हैं। इसके बाद जो पार्टी लाइन, बाहर का पार्टी लाइन एरिया है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं एज को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरा एज को हम चारों तरफ से सेलेक्ट करते हैं। पहले आपको ये चीज को समझना पड़ेगा ताकि आप बेहतर ढंग से इसको कर पाएंगे। तो जैसा कि पार्टी लाइन मैंने एज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया कि कितने एमएम तक, कितने डिस्टेंस तक हमें एक सीट चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे 55, 50 जितना भी अपने को चाहिए उतना दे देंगे। इसके बाद अप्लाई कर देंगे। तो आप अभी नहीं दिख रहा है लेकिन अप्लाई करने के बाद आपको ऐसा दिख रहा है। ये देखिए, ये हमारा एक सीट रिबन बिल्डर के द्वारा हम इसको सीट जनरेट कर लिए। इसके बाद हम एक स्केच लेते हैं और एक वैल्यू देकर एक प्लेट साइज डिसाइड करते हैं। ओके, अगर आपको सिंगल कैविटी बनाना है तो एक स्केच लेते हैं यहाँ से सेंटर टू सेंटर, इसको अलाइनमेंट दे दिए, फिर इधर सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट दे दिए। इसके बाद इसका साइड साइड कर देते हैं, ये हम देते हैं 240 और इस साइड दे देते हैं 175। ओके, इसको करते हैं ओके, स्केच इज फुली कॉन्स्टेंट फिनिश। इसके बाद इसको भी हम जो स्केच बनाए हैं, इस स्केच के द्वारा ये सीट को भी हम एक प्रॉपर साइजिंग कर देंगे हर तरफ से। तो उसको भी हम ट्रिम सीट कर लेते हैं। सरफेस में चलते हैं, ट्रिम सीट लेते हैं, सीट को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद बाउंडेड में ये हम जाके कनेक्टेड कर्व, ये जो कर्व बनाए हैं, स्केच बनाए हैं, इससे हम कर देते हैं। और यहाँ पे हम वेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे, अपने को जेड वाला वेक्टर चाहिए। यहाँ पे डिस्कार्ड रख के ओके कर देते हैं। ये देखिए, अभी हमारा ये एक साइज बन गया, जो हमने स्केच बनाया था उसके थ्रू हमने इसको ट्रिम सीट करके और एक प्रॉपर प्लेट साइज डिसाइड कर लिया। ओके, इसके बाद क्या करते हैं, एक बॉडी क्रिएट करते हैं, सिंगल बॉडी जो जिसके अंदर आर्टिकल्स रहेगा। तो कुछ भी वैल्यू देके, जो अपने को जितना वैल्यू चाहिए उतना वैल्यू देके इसको हम एक बॉडी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इसको करते हैं ओके, ये बॉडी क्रिएट हो गया। इसको हम कलर दे देते हैं यहाँ से कंट्रोल जे करके वाइट। ओके, और इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं ताकि हमको दिखे, ऐसा करेंगे। अब एक ऑप्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे सब्सट्रैक्ट का, लेकिन सब्सट्रैक्ट जैसे कि क्या करते हैं कि कोई भी आर्टिकल को, ये बॉडी में से किसी भी आर्टिकल को सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, तो जो हमारा कंपोनेंट का कलर है, वो कंपोनेंट का कलर हम चाहते हैं कि हमारे पार्ट्स में, जो कोर कैविटी प्लेट्स हैं, उसमें वो कलर रहे, ताकि हमें आर्टिकल एरिया कितना है, कितने एरिया में आर्टिकल है अपना, वो क्लियर रहे। तो उसके लिए एक ऑप्शन, यहाँ पे मॉडलिंग में जाएंगे, मॉडलिंग में जाने के बाद यहाँ पे टूल बॉडी ऑन कर देंगे, ओके कर देंगे। इसका मैं अभी बताऊंगा आगे चल के कि उससे क्या फ़ायदा होगा। तो अभी हम यहाँ पे एक बॉडी बना लिए, सिंगल बॉडी, और इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, तो इसमें से आर्टिकल्स को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये बॉडी सिलेक्ट करते हैं, दूसरा आर्टिकल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कीप टूल ओके कर देते हैं। इसके बाद अब आर्टिकल को इसमें से हाइड कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर कर्जर रखने के बाद आर्टिकल को ही हाइड कर देते हैं। देखिए, एक ये ऑलरेडी पहले का है, ये हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा कंपोनेंट है और ये हमारा आर्टिकल, इसके अंदर से ये बॉडी जो बनाए थे उसके अंदर से हम सब्सट्रैक्ट किया आर्टिकल को, तो ये हमारा ऐसा एरिया दिख रहा है। सब्सट्रैक्ट करके अगर कंट्रोल एच करके आप दिखेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन ये अभी सिंगल बॉडी है, इसको हमें
स्प्लिट करना है। स्प्लिट का ऑप्शन यूज करके हम इसको कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा वो हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि देखिए मैंने कंट्रोल जे इसको कर देता हूँ, कंट्रोल जे यहाँ से दोनों सरफेस को कलर दे देता हूँ ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये देखिए जैसा कि मैंने ये बनाया है तो ये देखिए ये हमारा कोर प्लेट है, ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो ऐसा हम करेंगे, ये अलग अलग, अभी ये अलग है और ये अलग है। ये देखिए कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, ये हमारा बॉडी है, इसमें से हमने आर्टिकल को सब्सट्रैक्ट कर लिया। फर्स्ट हम एक बार फिर वापस से रिविजन कर लेते हैं कि पहले हम कंपोनेंट्स को लेते हैं, उसके जितने भी कट बैरिंग एरियाज हैं उसको हम पैच कर लेते हैं। पैच करने के बाद एक रिबन बिल्डर के द्वारा हम बाहर जो आउट का पार्टी लाइन एरिया है उसमें हम सीट जनरेट करते हैं, और इसके बाद एक बॉडी बनाकर, सिंगल बॉडी बनाकर उसमें से आर्टिकल्स को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद क्या करते हैं, स्प्लिट ऑप्शन का यूज करते हैं। मोर में जाकर स्प्लिट ऑप्शन लेते हैं। ये सिंगल जो बॉडी है अभी सिंगल है, ये बॉडी अभी सिंगल है, इसको दो भाग में हम स्प्लिट कर देंगे। तो बॉडी को सिलेक्ट करते हैं और प्लेन, प्लेन के जब हम प्लेन सिलेक्ट करेंगे तो हमें क्या क्या प्लेन सिलेक्ट करना है, जितना भी हमने पैचअप किया है, जो जो सीट के द्वारा हमने कट बैरिंग एरिया को पैचअप किया है उस एरिया को, उस सीट को हम सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला सिलेक्ट करते हैं, ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये सेंटर वाला 10। जैसा आप देख रहे होंगे सिंगल बॉडी को फर्स्ट सिलेक्ट किए, इसके बाद जितना भी हमारा पैचअप सीट्स है उस सीट को हम सिलेक्ट किए और ओके करेंगे तो हमारा ये जो सिंगल बॉडी है ये दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा। तो एक भाग हमारा कोर हो जाएगा, दूसरा भाग हमारा कैविटी हो जाएगा। डेट इज कॉल्ड कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अभी देखिए हमारा दो भाग में ये स्प्लिट हो गया है। इसको हम कैसे देखेंगे, तो कंट्रोल बी को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए हम अभी पहले हम सिलेक्ट कर रहे थे तो ये दोनों से एक साथ सेलेक्ट होगा, लेकिन अभी ये 1 और 2 दोनों अलग अलग हो गए क्योंकि ये स्प्लिट हो गया। अभी हम देखते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके। ये देखिए ये पार्ट्स हमारा इसमें से सब्सट्रैक्ट हो गया है, अलग हो गया है। ये हमारा एक भाग कोर रेडी हो गया, ये हमारा कोर हो गया। इसको कंट्रोल छे इसकी ट्रांसपेरेंसी निकाल देते हैं। ये देखिए ये हमारा कोर एरिया हो गया। ये जितना भी ये ग्रे कलर का दिख रहा है आपको, ये हमारा कलर जो है सिल्वर कलर का दिख रहा है, ये हमारा कलर हो गया कट बैरिंग एरिया हो गया। ये हमारा सब कट बैरिंग एरिया हो गया, ये आर्टिकल्स में कट बैरिंग एरिया हो गया। ऐसे देखिए तो ये हमारा हो गया कोर और दूसरा हमारा हो गया ये कैविटी। इसको भी हम ट्रांसपेरेंसी इसका निकाल देते हैं, ओके कंट्रोल बी। ये हमारा हो गया कोर कैविटी एरिया, ये हमारा कैविटी एरिया हो गया, वो हमारा कोर एरिया हो गया। तो अभी आप तो अभी दोनों को रख लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारा आर्टिकल है इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आए अपने। ये हो गया ओके। तो ये देखिए ये हमारा कोर कैविटी हो गया, इसको ये कोर कैविटी हो गया, इसको हम वायर फ्रेम व्यू करके देखते हैं, ओके। और बैकग्राउंड कलर करते हैं, ये देखिए ये हमारा कोर कैविटी, दो अलग अलग पार्ट्स हो गए और ये हमारा कंपोनेंट हो गया। इसके बाद जितना भी और बाकी सब चीज़ें हैं इसको हम लेयर में डाल देते हैं, इसका हमारा कोई यूज नहीं है। तो अभी इसको हम मूव टू लेयर करके इसको मूव टू लेयर में डाल देते हैं। अभी ये हमारा बन गया। अभी इसको हम एक एक प्लेट हाइड करके देखेंगे तो ये दिखेगा हमारा कोर, इसके अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल हटाएंगे
तो ये ऐसा दिखेगा। तो आपने देखा कितना सिंपली, बहुत ही सिंपल स्टेप के द्वारा हमने इसको कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाया। इसमें आपको बस एक ही चीज़ ध्यान देना है कि जितना भी हमारा कट बेयरिंग एरिया है उसको प्रॉपर तरीके से हमें पैच करना है। अगर हम प्रॉपर तरीके से पैच नहीं किए तो ये स्प्लिट्स होगा नहीं, जो लास्ट में फाइनली हम स्प्लिट किए वो स्प्लिट होगा नहीं। तो हमें बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से पैच करते हैं जितना भी कट बेयरिंग एरिया है, इसके बाद हम इजिली उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो का, इस कंपोनेंट्स का कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करके देखे हम लोग आज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्त यारों को शेयर कर लीजिए। और अभी हम इस वीडियो को डिस्कस किए, इस अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये पार्ट्स जो है हमारा रेड स्टार बॉल, इसको हम इसका हम कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे अगले वीडियो में। और इसके बाद इस एक स्विच बोर्ड का है, इसको भी हम, ये तो सिंपल है लेकिन इसका भी हम आपको कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे। इसके बाद ये एक बोर्ड है, इसका भी हम करेंगे। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे हर हफ्ते में एक वीडियो अपलोड की जाएगी। तो आपको अभी अभी हमने एक स्प्लिट्स के द्वारा ये कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट किया, एक सरफेस क्रिएट करके हम उसको सीव करके और एक कोर कैविटी करके हम देखेंगे। इसी कंपोनेंट का हम एक दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम सरफेस के द्वारा, हमें स्प्लिट नहीं करना है, सिर्फ सरफेस, हर फेस को शीट बना के उसको सॉलिड करके एक बनाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल साबित हुई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो से जुड़ी कोई भी क्वेरीज के लिए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ।